दर्शक बंधु आम ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर ठारु मात्र अनति दूर अवस्थित ए तंत्रपीठ जहाँ समग्र विश्व प्रसिद्धि अर्जन करिछि यहाँ ना हेउछि 64 जोगिनी मंदिर हीरापुर अवस्थित ए 64 जोगिनी मंदिर यहाँ एक प्रसिद्ध किंवदंती मध्य रहिछि आउ सबुठोर बड़ कथा हला ए तंत्रपीठ समग्र भारत नुहे बरं समग्र विश्व परिव्याप्त एही मंदिर महामायांकर मंदिर नामरे मध्य जनाशुणा वृत्ताकार सदृश ए देउलर उपरी भाग संपूर्ण खोला मंदिर शक्ति केन्द्र में दशभुजा महामाया पूजा पाउथिबा बेले तांको चारिपटे 64 जोगिनी भली की भली रूप से पूजा पाउछंती जो तंत्रपीठर दर्शन सहित आशीर्वाद लाभ करिबा पाई बहु श्रद्धालुंकर भिड़ वर्ष तमाम जमी थाए बहु साधकों को विभिन्न समय देखा मिली थाए कि खास करी एही समय अर्थात दशहरा समय रे नवरात्र समय रे बहु संख्यक साधक श्रद्धालु जो माने देवी बा शक्तिपीठ को साधना करिबा पाई आसंती समान को देखा मिली थाए आसंतु आज अध्याय एठु आरंभ करिबा हीरापुर 64 जोगिनी मंदिर जानिबा काहीकी यार ना है हीरापुर कौन कहउछन्ती एठाकर स्थानीय बासिंदा कौन कहउछन्ती पूजक कौन रही पीठर महात्म्य सब किछि आज अध्याय हीरापुर गाँ आम पहुँची छु 64 जोगिनी मंदिर रे जोटा कि प्रवेश पथ पाखरे आपण एंट्री पॉइंट रे बड़ पोखरीटी अच्छी आपण जो देखिबे सीधा सड़क भाव में भिन्न एक आकृतिर मंदिर माने जमती अन्य मंदिर भली बड़ बड़ मंदिर थाए दधिनौती थाए ये सेमती ना गोलाकृति मंदिर ऊपर पूरा फांका एवं एटा एएसआई तत्वावधान मंदिर चली एएसआई यार रक्षणाबेक्षण दायित्व नहीं बहु पुरातन मंदिर आपण देखंतु भिन्न एक परिवेश अत्यंत शांत कांत परिवेश बहुत श्रद्धालु आसुचंती बहुत भक्त आसुचंती दर्शन पई एवं मंदिर परिसर आपण देखिए बहुत किछ अधिक नाही किंतु जेतिक अछि भिन्न विशेषत्व तंत्रपीठ तंत्र साधनार पीठ एटा सारा भारतवर्ष रे चारोटी पीठ एभली अछि तंत्र साधनार पीठ एटा सर्वपुरातन पीठ तेणु एठिकी दर्शन करबा को बहुत श्रद्धालु छुट्टी आसंती एवं परिवेश परिसर मध्ये एमती हेछि समस्तंको आकर्षित करूछि बांधी रखिवार सक्षम हेछि पीठ बलरंजन महांती 64 जोगिनी मंदिर भुवनेश्वर निकटस्थ हीरापुर गाँव रही प्रसिद्ध तंत्रपीठ जहाँ महत्व भिन्न ए पीठटी ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर ठारु 10 किलोमीटर दूर से बालियंता थाना एवं पंचायत समिति अंतर्गत भार्गवी नदी पादेश हीरापुर गाँव में ही अवस्थित भारत सर्वप्रथम तंत्रपीठ भाव में हीरापुर 64 जोगिनी मंदिर एक सर्वपुरातन मंदिर भाव में गणति कराए मंदिर वृत्ताकार होता बेले शक्ति केन्द्र में अष्टभुजा माँ महामायांकर प्रतिमा पूजा पाउछंती आउतांकर चतुर्पार्श्वे 64 जोगिनी मूर्ति भिन्न भिन्न बेसरे पूजा पाउछंती जोगिनी माने मंदिर कांथरे थिबा अलग अलग मुद्रे से बाहन विराजमान करछंती वेशभूषा सहित भली कि भली अस्त्रशस्त्र धारण करछंती जोगिनी माने जोगिनी मानंकर मूर्ति कला मुगुनी पत्र निर्मित होइछि अत्यंत स्वतंत्र शैली ये सब किछि निर्माण करा जाइछि मंदिर अग्रभाग ठुआ नहीं मंदिर भीतर पर्यंत सब किछि अनेक स्वतंत्रता एठी देखिबा को मिलिथाय तबे बड़ कथा हला मंदिर पूजक जो माने अछंती जो माने वर्ष तमाम एठी पूजा विधि करुछंती काहिकि ये पीठटी तंत्र पीठ भाव में जनाशुना काहीकि एठाकू साधक माने आसिथांती एवं दशहरा समय काहीकि पीठ चलचंचल होई उठे शक्ति स्वरूपिणी शक्ति क्षेत्र भाव में काहीकि ताकू विवेचना करा जाए तंत्रपीठ भाव में काहीकि विवेचना करा जाए विस्तृत भाव में कथा रही शुणा पूजकंक बहु प्रसिद्ध तंत्रपीठ 64 जोगिनी मंदिर आम समस्ते उणाधिक ए पीठर ना जाणीचे एवं एबे स्वतंत्र प्रसिद्धि सबुआड़े व्यापी चलछि से जगार आम भेटीचु मनोज कुमार महापात्र मुख्य पूजक एठिकार आप स्वागत करी नंदी गोष्ठी भी बहु प्रसिद्धि जोगिनी पीठ तंत्रपीठ कह जाए प्रकृत में ए जगार महात्म्य कौन ए जगार प्रसिद्धि केमती एवं ये कौन कौ नीतिकांति केमी कौन हुए 64 जोगिनी मंदिर कहले टोटाली भारत बर्ष चारोटी मंदिर आप देखिए
ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇଟା, ଏମ୍ପିରେ ଦୁଇଟା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇଟା, ଏଠି ହେଲା ଗାଁ ନାଁ ହେଲା ହୀରାପୁର, ବାକି ଗୋଟେ ଅଛି ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ହୀରାପୁର ଏଥିପାଇଁ ହେଇଛି ଭୌମବଂଶୀ ପିରିୟଡ଼ରେ ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ଶାନ୍ତିକର, ରାଣୀ ଥିଲେ ହୀରାଦେବୀ, ଗାଁ ନାଁ ହୀରାପୁର କରାହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ହେଲା ନବମ ଶତାବ୍ଦୀର ମନ୍ଦିର। ଏ ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର, ଏସବୁ ପାର୍ବତୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଚଉଷଠି ରୂପ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଇଏ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ପୀଠ। ଏଠି ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରିକି ନିଜର ପାୱାର ବଢ଼େଇକି ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା, ରାତ୍ରି ପୂଜା ଯେଉଁଟାକି ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ପୂଜା କରି ବଳି ଦେଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହବନ କରିକି ଏଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି କିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛେ କି ଏଇଟା ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନବମ ଶତାବ୍ଦୀର କଥା କହୁଥିଲେ, ସେବେଠୁ ଚାଲି ଆସିଛି ଏବଂ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ମିଳେ ବା ବିଜୟ ମିଳେ, ବିଜୟ ଲାଭ କରନ୍ତି ଆପଣ କହିବା କଥା ରାଜା ଯେଉଁଟା ମାନେ ସେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ସେମିତି କିଛି ହେଉଛି କି ନା? ଏବେ କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି? ଏବେ ତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ଏବେ ଆଉ କରାଯାଉନାହିଁ, ତାନ୍ତ୍ରିକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଦିନବେଳା ସାଧନା କରିକି ଜପ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ରାତ୍ରି ପୂଜା ତା'ର ସେଇଟା ନିୟମ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ASI ଅଣ୍ଡରରେ ତେଣୁକରି ତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ରାତ୍ରି ପୂଜାରେ ମନା କରାହେଇଛି ଆଉ କରାଇବା ପାଇଁ, କେବଳ ତନ୍ତ୍ର ଦିନବେଳା ଚଣ୍ଡିପାଠ ସପ୍ତସତୀ ଚଣ୍ଡିପାଠ ଆମର କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ତାନ୍ତ୍ରିକମାନେ ଆସନ୍ତି ଏଠି ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଠି ତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ କେତେ। ବହୁତ ପରିମାଣରେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ଏଠି ମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଠିକି ଆସିକି ଭକ୍ତମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ପ୍ରତି। ଏଠି ମାନେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯିଏ ବି ଯେକୌଣସି ଖରାପ କରେ ଥିବ କି କାହାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନଥିବ, ଏଠି ଆସିଲେ ସେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ। ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ବସାଇବା, ମାନସିକ କରିବା, ସେମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ଆସିବାଟା ଏବଂ ଏଠି ସଫଳ ହେବାଟା ଆପଣ ଏବେ ବି ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଆତିଥ୍ୟ ଯିଏ ଯିଏ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ଉପକୃତ ହୋଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ମାନସିକ କରିକି ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି କହିଲେ ନସରେ, ଆଉ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଏଠି ଉପକୃତ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଭାଇନାଙ୍କର କହିବା କଥା, ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ଏ ଜାଗାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ଏଠି ସଫଳ ହୋଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନେ ମାନସିକ ନେଇ ଆସନ୍ତି ମାନସିକ ପୂରଣ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ଏ ଜାଗାରେ ହେଉଥିଲା, ଅଘରିମାନଙ୍କର ସାଧନା ହେଉଥିଲା, ତାହା ଏବେ ନାହିଁ। ବାରଣ କରାହେଇଛି ରାତିରେ, କିନ୍ତୁ ଅଘରିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତନ୍ତ୍ର ସାଧକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିନବେଳା ପୂଜାପାଠ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭୌମବଂଶୀୟ ଶାନ୍ତା ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ଏଠି ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ହୀରାବତୀ ନାମକ ପାଟରାଣୀଙ୍କ ନାଁରେ ହିଁ ଏ ଗାଁ ହେଲା ହୀରାପୁର, ଯାହାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣ। ଏବଂ ରାଣୀ ହୀରାବତୀଙ୍କ ସମୟରେ ହିଁ ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀର ପୀଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ରାଜା ଖୁବ୍ ବଳିଆନ ହେବେ, ଖୁବ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଏଠି ଏ ପୀଠର ସ୍ଥାପନା କଲେ। ଏହା ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପୀଠ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ବହୁ ତନ୍ତ୍ର ସାଧକ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ପୀଠରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁ ସାଧକ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ତନ୍ତ୍ର ସାଧକ ଏ ପୀଠକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ବି ହେଉଛି। ହୀରାପୁର ଭଳି ରାଜ୍ୟର ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମୟରେ ମାଆଙ୍କର ବିଶେଷ ପୂଜା ଏଠି କରାଯାଏ, ଏପରିକି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମାଛ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ରାତି 12ଟାରେ ଭୋଗ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ସକାଳୁ କେବଳ ମାଛ କଣ୍ଟା ହିଁ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ମାଆ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବୋଲି ଏକ ପ୍ରକାରର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏପରିକି ଏଠାରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶନିବାର ଭକ୍ତମାନେ କିଛି ମାନସିକ କଲେ ତାହା ବି ପୂରଣ ହୁଏ ବୋଲି ପୂଜକଙ୍କର ଯାହା କହିବା କଥା। ସ୍ୱାଗତ ହେ ନନ୍ଦିଗୋଷ୍ଠୀ ଭୀମେ, ୟହାଁ ପେ କ୍ୟା କରତେ ହେ ଆପ ଲୋକ? ଆପ ପୁଣି ସାର୍, ଆମ ଭୋରି ଜାଗନାଥ କୋଣାର ଟେମ୍ପଲ ଇଧର ମେ ରାଜା ଏ ଟେମ୍ପଲ ସାଧୁ ବାଲା ଅଚ୍ଛା ଟେମ୍ପଲ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଟେମ୍ପଲ ବହୁତ ପାୱାର କମିଂ ୟହାଁ ପେ କ୍ୟା କରତେ ହେ ଆପ ଓଭରଲ କ୍ୟା କରତେ ଦର୍ଶନ କରେ କା କୁଛ ସାଧନା ସାଧନା ବଗେରା କରତେ ହେ ଆପ ଇସ କାମ କ୍ୟା ଜାଏଗା ଇଧର ମେ ଦର୍ଶନ କୈସା ଲଗତା ହେ ଆପ ହଁ ଆପକୋ ୟହାଁ ପେ କୈସା ଲଗତା ହେ ଦର୍ଶନ କା பாராஜோதிலிங்கம் பாராஜோதிலிங்கம் 51 சத்திபீடம் 18 திவ்ய தேசம் சாயகா 3 இயர் இந்தியாமே ஆல் இந்தியா 3 டைம் ரவுண்ட். ஹவ் டு யூ ஃபீல் ஹியர்? பௌத் எனர்ஜி எனர்ஜி ரவுண்ட் பௌத் எனர்ஜி மா எனர்ஜி எனர்ஜி அச்சா எனர்ஜி அச்சா எனர்ஜி அச்சா எனர்ஜி அச்சா பௌத் நோ ପେନ୍ ଇଧର୍ମେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ଏନର୍ଜି ଆସେ, ରାମେଶ୍ୱରମ୍ରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ,
माने साधना करिवा पय बहुत पीठ जाइचंती ए जगार भिन्न और नियारा अनुभूति जो कथा स्पष्ट भावे सन्यासी बा साधु जनक कहले शुणुले सन्यासी कहवा कथा ये गोटे तंत्र पूजार प्रमुख स्थान पूर्व मध्यरात्रि में अघोरी साधक ये तंत्र साधना करती कि मध्यरात्रि में तंत्र साधना को बारण कर साधक मैंने छुट्टी आसुँ बाहर से रोचे लोककथा अनुजाई माँ दुर्गा महिषासुर सहित युद्ध करने अवसर में रक्तवीर्य नामक एक असुर रक्तबिंदु सबू मटी में पड़ से बहु दानव सृष्टि होते आई दानव मान निहत करने माँ दुर्गा जोगिनी सृष्टि कराए से ही माँ दुर्गा रक्तवीर्य सहित समस्त असुर को निहत करते फल धरापृष्ठ से शांति प्रतिष्ठा होता हीरापुर में माँ दुर्गा सहित जोगिनी मैंने पूजा पाँच एभली ऐतिह्य संपन्न तंत्रपीठ को दर्शन पर राज्यर विभिन्न स्थान समेत देश विदेश बहु श्रद्धा प्रतिदिन एठाक छुट्टी आसुँ दर्शक बंधु चौषठी जोगिनी मंदिर आकार वृत्ताकार किंतु ऊपर संपूर्ण खोला आपड़ देखुं किभली भाव से ऊपरटी मंदिर ऊपरटी संपूर्ण खोला केवल तंबू मध्यम सामयिक भाव आबद्ध कर मंदिर प्रवेश द्वार संकीर्ण जो प्रवेश पथर नई कर पड़ता है मंदिर पूजा पद्धति वंशानुक्रमिक भाव में सेवायत मैंने संपादन कर मंदिर निकटे पुष्करणी जल ठाकुराणी नीति कार्य व्यवहार होता किंतु एवं मंदिर परिसर कूओ एवं नलकूर जल ए व्यवहार कर दशहरा चैत्र पूर्णिमा प्रभृति समय पीठ से स्वतंत्र पूजार्चना सहित भिड़ जमी थाए अन्दिन गुड़िकरे देवी मानकर धूप दीप सहित नैवेद्य अर्पण कराए विशेष पूजा दिन गुड़िक देवी को विभिन्न बेस में भूषित करोम यज्ञ सहित चंडीपाठ कालिका पुराण को अनुध्यान कले जाना जाए जे चौसठी जोगिनी पीठ भारतर सर्वप्रथम तंत्रपीठ हिसाब से जनाशुना बहु प्राचीन मंदिर एवं मंदिर आप देखिए अवस्थिति एवं मंदिर जो प्रकार तैयारी पूरा मंदिर मान गोल आकार जोटा कि शिवंकर लिंग आकार कराई चर्चा हुए एवं ताहा देखा जाए ता सहित सब बड़ कथा होटी महामाया माँ दुर्गा मूर्ति पूजा सहित चौसठी जोगिनी चारिपटे घेरिक रही था तेणु भिन्न एक दृश्य एवं जो दृश्य देखापी जो तंत्रपीठर अनुभव नापी ए जगह को शताधिक दर्शक हजार हजार दर्शक हजार हजार श्रद्धा छुट्टी आसती वृत्ताकार चौसठी जोगिनी मंदिर शक्ति केन्द्र माँ महामाया पूजा पाता बेले मंदिर देवलर चतुर्पार्श्वरे जोगिनी माने विराजमान करिचंती निज बाहनों ऊपर जहाँकि भिन्न एक चित्र देखुची भिन्न एक भक्तिमय परिवेश सृष्टि कर माँ पीठ से होने प्रमुख पर्व सावित्री अमावास्या चितालागी अमावास्या राखी पूर्णिमा राधाष्टमी जन्माष्टमी इसबू पालित होता है ये पीठर विकास महात्म्य दृष्टि विशेष गुरुत्व बहन करुवा यार आहरी विकास और प्रचार प्रसार आवश्यक बोली स्थानीय हीरापुर बासिंदा कहते पीठ निकटे श्रद्धा मानी दोकान बजार तथा अन्य सुविधा करार आवश्यकता रही मत एपरिक भुवनेश्वर निकटे हो मो बस चलाचल करने को भी दावी कर ए पीठर रक्षणाबेक्षण दायित्व एवं एएसआई हाथ में यह तंत्रपीठ प्रति साधारण आकर्षण बढ़ुता बेले यार प्रचार प्रसार पर स्थानीय लोके दावी करुंतु से कौन कहते हीरापुर गाँ चौसठी जोगिनी मंदिर पर सारा विश्व प्रसिद्धि लाभ कर तंत्रपीठ चौसठी जोगिनी मंदिर कथ आस मैंने हीरापुर कथ आम सागर जोड़ी होती से गाँव वरिष्ठ बासिंदा परेशवित बाबू केमती देखुं वर्तमान एठिकार प्रचार प्रसार बहुत लोक आसुंची भिन्न एक पीठ सर्व मान भारत सर्वप्रथम तंत्रपीठ केमती अनुभव ये जगह गाँववासी हो मैं एठिकार बासिंदा हो अनुभव केमती प्रथम मु धन्यवाद देवी नंदीघोष टीवी कर्मकर्ता को जहाँ आसी आम प्रसिद्ध तंत्रपीठ हीरापुर पीठ को आम अंचल तरफ आपण धन्यवाद कारण ये पीठटी अच्छी तंत्रपीठ हीरापुर जो चौसठी जोगिनी पीठ यह विश्व माने प्रचार प्रसार अच्छी लोक मैंने प्रत्येक दिन विदेश रूठे बस लगी था गाड़ी लगी था आसती दस जन पंदर जन प्रत्येक दिन शीत दिन हेले तो हाराहारी प्रत्येक दिन देढ़ सौ दुईश लोक प्रायत समागम हुए ये मैं किसी भिन्न अनुभव अलौकिक अनुभव महात्म्य आप फिल कर कि शुणी कि आप पुर्खा लोक
निश्चित भाव आम जेहेतु आम गाँव अधिष्ठात्री देवी तेणु आम अलौकिक प्रतिभा मंदिर पुराण कथित अच्छी तासत लोक लोककथा अच्छी लोककथा अच्छी एटारे जदि कौन लोक को तंत्र मंत्र कराए जो आम गुणीगारेडी कराए गुणीगारेडी विश्वास करुवा लोक जब असुविधार सम्मुखीन होता है सी जदि आसी माँ को मंदिर चारिपार्श्व सतघेरा बुली जाए ताकि अनिष्टपी करतक तंत्रमंत्र से आपे आपे उभे जाए और सी साधारण स्ट्रीम लाइन को पलैसे से लोक तेणु से तापर आ गोटे जिनस जदि माँ को पीठ से को मानसिक धरी तर पिलापिली न हो कि कौन सी चाकरी बाकरी कथा को चिंता करी सी जदि मनस्थ करके गुआ नड़िया बसे तार फलप्रदी लोक मैंने आसिक जो भक्त मैंने मनवांचा पूर्ण होने कहते ना माँ जो जिनटा ये करते आम शुणु ये जो माँ को अलौकिक प्रतिभा आम बासीदा हिसाब से आम गर्व अनुभव करूँ जहा हूँ माँ को ये प्रतिभा रही तेणु आपे आपे आम जोड़ापी अधिक रू अधिक चेषित हो पर्यटक आसवे जो खावा पीवाई हाँ छोट छोट दुकान टिके से खाइबे एंटरटेन करें जमी भुवनेश्वर मंदिर साधारण भिड़ रोचे से भाई आम आशा करूँ सरकार को आप चैनल मध्यम नवेदन करुचु जो आम मो बसर डेली जदि चलन प्रचलन हाँ तेल अधिक रू अधिक टूरीजिम भिड़ जमता ओके बहुत बहुत धन्यवाद मात्र 9 किलोमीटर भुवनेश्वर ठार भुवनेश्वर आप देखिए लिंगराज मंदिर कहतु कि आपंकर खंडगिरी उदयगिरी कथा कहतु ये सब जगह जो गहली होटा हूँ आप देखिए महात्म्य भिन्न महात्म्य तंत्र साधनार पीठ और सारा विश्व प्रसिद्धि लाभ कर स्थान 64 जोगिनी पीठ ताले जो आप कम्युनिकेशन टा हो आप जो मो बस कथा कहले भई बाबू एठिकार स्थानीय बासिंदा ता सहित जब ये आप दुकान बजार टी लगता शौचालय हो पारंता तालोर कहवा कथा पर्यटकों आहुरी भिड़ जमता श्रद्धालुं आहुरी भिड़ जमता तेणु से प्रयासटा को लेकिन से आशावादी निश्चित भाव में शुणुते मो बस चलाचल करने को दावी कर दर्शक बंधु ये पीठर वर्तमान जी रक्षणाबेक्षण तार कौन उन्नयनमूलक कार्यक्रम ग्रहण कर सबू ASI आर्कियोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करे तंत्रपीठ प्रति वर्तमान लोकंर अवधारणा यह हूँ जो आहरी विकसित करती जेहतु आकर्षण लोकंर बढ़ुच्ची यार प्रचार प्रसार अधिक कर गाँ लोकर मध्य से कथा कहार अच्छी एटी को आहरी जमी अधिक रू अधिक संख्यक भिड़ बढ़ एवं जो मैंने बाहर अच्छा जो मैंने चाहूँ आसपाई से आसीपारे से सब प्रकार व्यवस्था हबार से दावी कर दर्शक बंधु संपर्क आपने देखुले ये पूरा हीरापुर 64 जोगिनी मंदिर शेषे कौन कहते मलय शुण 64 जोगिनी मंदिर व 64 जोगिनी पीठर महात्म्य ऐतिह भिन्न एवं अन्य एटी बहु पर्यटक आसु आसं का दर्शन करशिष लाभ कर किंतु ए क्षेत्र आहुरी प्रचार प्रसार ए क्षेत्र भित्तिभूमि आहुरी सजड़ा गले आहुरी अधिक पर्यटक आहुरी अधिक श्रद्धालु एटी भिड़ जमाते एवं सारा विश्वर एटी भिड़ जमता बोली किसी लोकंर एठिकार मत 64 जोगिनी पीठरू कैमरा पर्सन बसंत बेहूरा मणिरंजन महांती नंदी घोष टीवी।